अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यू वी रिएक्शन। तो दोस्तों आज फर्स्ट टाइम जो है आपका वही जो है एक ऐसे चैनल पर रिएक्शन करने लगा जिसके ऊपर मैंने आज तक रिएक्शन नहीं किया हुआ। तो आज आपका भाई जिस चैनल को प्रोडक्शन करने लगा ये होने वाला है हमारे फुकड़ा भाई का, फुकड़ा इंसान का चैनल होने वाला है जिसके ऊपर आपका ये भाई जो है वो रिएक्शन करने वाला है। तो इसका जो टाइटल है ये है पुनीत सुपरस्टार वर्सेस 11 सुपर मॉडल्स डेटिंग चैलेंज है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज़ हैं। और फुकड़ा इंसान और पुनीत सुपरस्टार इन दोनों को कौन सा बंदा है जो नहीं जानता। अगर कोई बंदा कहता ना मैं नहीं जानता उसको मेरे सामने लेकर झूठ बोल रहा है। तो बिग बॉस के अंदर जो सा बल्कि बिग बॉस के फेमस होने का जो रीज़न था ना वो ये दो बंदे थे और थर्ड हमारे एल्विश भाई, एल्विश यादव। तो चले आए देखते हैं आज के सिलेक्शन को, उस पर करेंगे एज यूजुअल बातें। पर इस सिलेक्शन को पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक आपके इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहा कर लूँ। बढ़ते हैं आज के सिलेक्शन की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हमारे पास है बिग बॉस के सुपरस्टार पुनीत सुपरस्टार। सीओ मेरा बिग बॉस का जाने वाला और फुकड़ा इंसान का जाने वाला है। बिग बॉस को क्या कर देना, क्या यार फुकड़ा भाई 2 महीने से जो है बिग बॉस के साथ लगा रखा है। मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है इस वक्त क्योंकि इनकी ना यार बिग बॉस की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पर इन्होंने बोला कि आज तक एक भी डेट पे नहीं गए। जिंदगी में गर्लफ्रेंड कितनी रही है? उन्होंने बनाई गर्लफ्रेंड और मेरे बनती भी नहीं है, एक भी बनी है नहीं। गर्लफ्रेंड है नहीं, इसलिए आप इतना चिल्लाते। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो आज तक मैं कभी डेट नहीं गया, बिल्कुल एकदम मैं सूखा बैठा था कई सालों तक। तो फुकड़ा इंसान ने पुनीत सुपरस्टार को गीला करने का वादा कराया। क्या बोल रहा भाई, समझा कंट्रोल कर कंट्रोल कर। मैं पुनीत को लेकर जाने वाला हूँ यहाँ पर 11 सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ डेट पे। आओ वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। हेलो, मेरा नाम एनी है और मेरा नाम है पुनीत सुपरस्टार। नमस्ते, थैंक यू। तो आलू पराठे के साथ खाते हैं अचार, क्या मैं प्लीज आपकी बन जाऊं छपरी नली बेरोजगार? क्योंकि मुझे कोठी बंगले वाली लड़कियां पसंद है और आप बिल्कुल भी कोठी बंगले वाली लड़कियां नहीं लग रही क्योंकि आपके बाल खुले हुए हैं, होंठ बहुत बड़े हैं, मुर्गे की चोंच से भी ज्यादा होंठ बड़े हैं आपके। तो प्लीज आप मुझे बताओ क्यों बनना चाहती हो? कि मुझे आपकी शर्ट बहुत अच्छी लगी है। लेकिन आपकी जो ये पैंट फटी हुई है ये डिजाइन नहीं है, ये सच में पैंट फटी हुई है, तभी तो बनना चाहती हूं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, इट्स अ नो, सॉरी। जा जा जा, इट्स अ नो। माल है भाई, भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सामने देखकर ही ऐसा लगे, मतलब मेरे से 10 फुट दूर खड़ी होने के बाद भी मुझे ऐसा लगे मेरे तन बदन के ऐसे। हेलो, थैंक यू। चीजी बातें तो आपसे सब करते हैं एंड चांद लाने के बाद भी, लेकिन मैं आपके लिए फ्री हार्पिक फिनाइल एंड पाउडर लाऊंगी। तो वो तो आपको वैसे भी जरूरत है लगाने की। अच्छा। आप बिल्कुल इतनी सामने आपको भी तो जरूरत, साथ में लगाएंगे बैठ के। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो अच्छा खासा एकदम बिल्कुल बढ़िया दिखता हूँ, लेकिन मैं ना पहली बात तो बताइए क्या चाहती है मुझसे, क्या चाहिए आपको मुझसे? आपसे ढेर सारा प्यार चाहिए। मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, सॉरी भाई। और वो देखो ना उन्होंने बेल्ट भी टेढ़ी लगा रखी है, वो देखो बिल्कुल सेंटर में नहीं है यार बेल्ट उनकी, यार प्लीज यार माफ कर दो। एक बात बता, तुम कौन सी लड़की को हाँ करने वाले हो? भाई जो मैंने बोला ना आपको बिल्कुल देखते के साथ ही जिसका मजा आ जाए देखने में, मतलब मुझे ऐसा लगे जो मेरे पास ना होकर भी मेरे पास है यार। I'm good here. Yeah, I wanted to say like you're hotter than the bottom of my laptop. Okay, I am hot, but I want you will marry me. I won't marry you because you are so sweet, you are so gory, you are so high, lambi, lambi, lambi. I reject. I reject. तूने यस करा ही नो करा पूरा बता ही नहीं मुझे। भाई यस है यार। वो पता जिंदगी में ट्रॉमा में चली गई। आपको देख के हुआ दिल का ऐसा हाल कि बड़ी दिल की धड़कन जैसे पेट्रोल के दाम। मेरे की तो नहीं आ गई। मेरे को आपको देखते ही मैं पहली नजर में आपको पागल हो गया हूँ, मैं बिल्कुल एकदम भुखला सा गया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगे या आप मुझसे शादी क्यों करना चाहोगे, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि आप पुनीत सुपरस्टार हो, आप लॉर्ड हो, आप मुझसे प्यार करते हो, आप किस हद तक जा सकते हो मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे पाने के लिए? लोग कहते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए, मैं अपने नुन्नू के लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, डिमका कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती है। अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो प्लीज मेरे को एक बार ऐसे करके दिखाओ। दोनों साथ थोड़ी सी बफरिंग हो गई है, नेट चल रहा है पर वीडियो बहुत लंबी है, इस वजह से जो है ना वो बफरिंग स्टार्ट हो गई, इसलिए थोड़े से ओपिनियन अपने दे लेते हैं।
कि वीडियोस काफी अच्छी हैं और काफी क्वालिटी वाइज अच्छी बनाई है और वैसे भी तुम्हारे भाई बड़ा इंसान बना दिया यार भाई कुछ करो यार प्लीज यार भाई आपके प्यार बताओ यार भाई दिलवा दो यार अभी आ गया भाई यही दिलवा दो यार अभी आपको हां करना है हां या ना हां है ना दिल आ गया आपका हां मेरे आपकी हां है हेलो हेलो हाय हाय ब्लैक कपड़े नाइस आप ज्यादा कलरफुल लग रहे हैं सीन्स लगा आपकी लाइफ ज्यादा कलरफुल है कपड़े भी कलरफुल हैं लेकिन मेरी अच्छा। लाइफ भी बहुत ज्यादा हसीन exactly. रंगीन और कलरफुल है हमारे बाल भी एकदम सेम सेम ऐसी होनी चाहिए हाइलाइट्स भी तो आप कहना क्या चाहते हो आपके बाल देख के मैंने ये बाल कलर करवाए अच्छा ऐसा क्यों क्यों मतलब अच्छा। क्या चाहती हो आप मुझसे क्या एक्सेप्ट करते हो आप मुझसे मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जैसे सबको हंसाते हैं आप ऐसे मुझे हंसाते रहे लेकिन आपको देखकर तो मेरे को बिल्कुल रोना आ रहा है पता है आपको सच में कोई प्यारी सी एक ऐसी पिकअप लाइन बताओ जो जिसको सुन के फ्लैट हो जाए पुनीत जी ये पिकअप लाइन स्पेशली आपके लिए लिखी है मैंने कि हम आपको इतना चाहते हैं इतना चाहते हैं कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया हिला दूं अगर आप बोले अगर आप बोले तो पापा से बोल के आपका कोटक बैंक का लोन माफ करा दूं यार मैं कसम से भरते भरते मर गया हूँ यार चार महीने हो गए मैं 13,884 रुपए की गाड़ी की भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी यार मेरी बात सुनो चाहे मेरे को इनकी शक्ल देख के प्यार हो या ना हो लेकिन इनके काम देख के जो इनके वर्क मुझ पे करने वाली है उसको देख के मैं जरूर इनको डेट करना चाहूंगा यार सो इट्स अ यस हां यस भाई यस I am fine and thank you. इसके बाद इंग्लिश में मत बात करना क्योंकि इसके बाद I am not eyeing English. You know tattoo girl. Yes. I love you. I have no. I know you. जरा पूछो इनसे कैसे जानती है? How do you know him? He's the guy who wants to buy my drink. You want to marry me? Baby. Yeah. I want you see first time and I love you. I want married with you. I want married you. Please let me know. Answer me. Please, please. आप ही मेरे बच्चों की माँ बनोगी? Serious. My first time in your life. ओके कंट्रोल 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 प्लीज प्लीज मेरे को इससे प्यार हो गया आई लव यू बेबी आई लव यू आई वांट टू बी योर फ्रेंड एंड आई थिंक इट्स बेटर भाई यार आप खड़े ही मत हो यार भाई भाई गलती हो गई यार आपको यहां खड़ा करके यार बट यू कैन गिव मी 5 थैंक यू आई लव यू भाई हां है हां है भाई भाई हां है तीसरी हां हो गई तीसरी हां हो गई आपके सामने सारे पिकअप लाइंस यूजलेस है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी आप पे दिल आ गया है मैं आपको डेट पे ले जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन इससे पहले वाली जो मेरी एक्स है उसको मैंने वादा किया था अपना प्रॉमिस किया था कि यार मैं किसी भी लड़की को डेट नहीं करूंगा मैं उम्र भर के लिए कसम खाता हूँ तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या फिर उसको मेरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं या फिर उसको उससे मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हैं क्या चाहती हैं मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ आई एम रेडी लेकिन वो तो बहुत ज्यादा सनकी है वो बहुत ज्यादा पागल है वो मेरे साथ किसी भी लड़की को देख लेती है तो उसको उठा के पटक देती है मैं भी पागल हो जाऊंगी सपोज कीजिए वो मेरी जो एक्स है वो मतलब एक्स नहीं जो मेरी अभी करंट में गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ आके खड़ी हो गई थोड़ा एक एक्सप्रेशन करके दिखाइए आप क्या करोगे उसको कैसे गलत चीज बोलोगे कैसे उसको गुस्सा दिखाओगे मैं भाई को चाहूंगा कि भाई एक बार जरा इधर आइए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे ये समझिए मेरी बहुत प्यारी अच्छी गर्लफ्रेंड है और मैं पुनीत सुपरस्टार हूं और तुम पुनीत सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड अच्छा ओके ठीक है तो तुम्हारा ही होना अच्छा तू क्या करेगी तेरा पुनीत को लेके जाएगी क्या करेगी अबे तूने खुद की शक्ल देखी है बाल देखी है हमने से चुड़ैल की बाल लगती है बस यही आता है और तूने खुद को देखा है बिल्कुल आलू लग रही है बिल्कुल आलू लग रही है देखने में ओ प्लीज क्या प्लीज पुनीत मेरा है गाने नहीं आते कुछ भी नहीं तू अगर पुनीत से प्यार करती पुनीत की एक्टिंग करके दिखा दी देख है ऑलरेडी प्लीज लंबा भी है ना तुमसे मुझसे मेरे हाइट के लिए अच्छा है वो ठीक है सो जस्ट लेट इट बी भाई आप जब अपनी जगह पे चले जाइए मैं अपना आंसर खुद देता हूँ मैं देखिए मैं गलत नहीं ट्रांसफर करके दिखाती हूँ राजा 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 तोरे जम समाज उठा लो तनी राजा राजा मैं नाचना नहीं आता तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आप पुनीत से प्यार करती हैं एक काम करता हूँ एक एक्टिंग करके ऐसे बोलो बाबू बाबू आपसे मैं नीला उनको की प्रपोज कर सकती हूँ आपको देख इतना तेले कोई कर रहा पहली बार लेट्स लेट्स डू इट क्या आप मुझसे शादी करोगे क्या करने के लिए तैयार लेके सोने की अंगूठी तो पहनाओ रिंग तो पहनाओ तुम यहाँ नहीं पहनाते भाई मिडिल फिंगर है बहुत प्यारी है यार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपके लिए मैं कुछ भी कर दूँ डन इट्स अ यस बाय नाइस मीटिंग यू आई लव यू मेरी जान हाय हेलो हेलो अच्छा हेलो हेलो हाय 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 हाय
आपको कोई प्यार का इजहार करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज यार, प्लीज यार, आप जाओ पंडित को बुला के लाओ, जाके मंडप सजाओ, मैं आ रहा हूँ दूल्हा बनने। ठीक है भाई, जाओ यार, ये लड़की चाहिए मुझे, बाकी पुरानी रिजेक्ट कर दो। आपके लिए हाय, आपको पिकअप लाइन मारने की भी जरूरत नहीं है। अरे आप चाहेंगे तो छोड़ने जाएगी, तभी तो आएगी। माफ करो। Hello. Achha. So I just wanna tell you that my love for you is like diarrhea. I just can't hold into it. Shukra bhai, mujhe English samajh mein nahi aa rahi. Please bhai, aa jao yaar. To main aapke liye Hindi. Aaye haaye. अच्छा दूर रह, दूर रह के बात कर, लड़कियों से दूर रह के बात कर, हिंदी में ट्रांसलेट। आपके लिए मेरा प्यार डायरिया की तरह है, मैं उसको संभाल नहीं सकती। डायरिया पता क्या होता है? क्या होता भाई बताओ, क्या होता है? लूज मोशन। जैसे लूज मोशन को हम अपने हैंडल नहीं कर सकते, वैसे ही मैं आपका, आपके लिए प्यार को हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन बेबी, मैं आपको प्यार के लिए हैंडल करने के लिए तैयार हूँ यार। और पहले तो मुझे ये बताओ कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? आप तो मेरे ख्याल से कहाँ से हो आप? रशिया से। मैं स्पेशली आपके लिए हिंदी सीख के आई। इसकी वीडियोस देखी आपने इंस्टाग्राम पर? हाँ जी, तभी तो हिंदी सीख के आए इनके लिए। भाई देखो ना, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस। तो कैसा मेरा रील्स का जाने वाला था, साफ करके डाले मेरे का छपरे भरम के जोड़ दे पर साले। और ये जो है रशियन और चाइनीज लड़के प्यार करते हैं, ताकि बड़े बड़े कोठी बकरे वाले इनसे जो है पड़ जाए, तो ये लड़की को जो है पुनीत सुपरस्टार से प्यार हो गया है और पुनीत सुपरस्टार को दिल दे चुकी है। और ये खुद बताती है कि मैं खुद एक बहुत बड़ी चाइनीज माल हूँ, क्योंकि जो हिंदी जो मर्जी यूज कर लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, जहाँ मर्जी आ जाओ, तो क्या आप जो है मुझसे शादी करोगी? क्या आप मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनोगी, या फिर मुझे छोड़ के चली जाओगी? आई लव यू। तो आपकी तरफ से हाय मेरे लिए, लव यू। अब ये हाँ थी या ना थी तो बताया नहीं भाई, ये ना थी। लव यू इतनी बार बोल दिया, फिर ना बोल दिया कि बेशरम आदमी है यार। ना ही थी यार, नाई। सॉरी बेबी। हाय। सॉरी बेबी। हाय हाय हाय। दर्द हो रहा है। कैमरे में देखिए, क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं? मुझे आपको देख के बहुत अच्छा। यहाँ आपको देख के बहुत प्यारी। आई लव यू। आपको क्यों आ रही है मुझे देख के ऐसे? आप बहुत प्यारी हो। आप भी बहुत प्यारी हो। अच्छा, मेरे में ऐसा क्या है? आप like you are Lord Puneet। ओहो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्यों सेवा करोगे मेरी? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। कुछ मेरे लिए कुछ ऐसी चीज कर सकती हो? अच्छा। जिसको मैं देखती हाँ बोल दूँ? भाई एक मिनट, आप ही आ जाओ, ये मुझे थोड़ा सा मैटर, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इस मैटर में। एक बार अपना मेन हुक स्टेप तो करके दिखा दो सबको। अच्छा। और वो भी करेगी फिर तुम्हारे साथ। You were so loud कि मेरे बात दब गई। आप मेरे प्यार के काबिल नहीं पता आपको, लेकिन फिर भी मैं आना दुनिया की नजरों से और दुनिया के खिलाफ जाकर मैं आपसे इश्क लड़ाने के लिए तैयार हूँ, डेट करने के लिए तैयार हूँ। चलो ओके, तो राउंड नंबर टू। राउंड नंबर वन में पुनीत भाई ने 7 लड़कियों को हाँ कराए और 4 लड़कियों को रिजेक्ट कराए। इस राउंड में अच्छा। तुम लड़कियों पे लाइन मारने वाले हो, और अगर लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट करेगी तो तुम्हें करना पड़ेगा मौत का खेल। कैसा मौत का खेल? मौत का खेल जैसे तुम्हें करते हो। यही वाला मौत का, यही वाला चाहिए। एवरी टाइम कोई लड़की इसको रिजेक्ट करेगी। अच्छा जी, आओ पुनीत जी, अब तुम्हारी बारी है लाइन मारने। यहाँ 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 चाहिए। हेलो हेलो, पहले तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आद्या। मैं सपनों में रोज देखता था किसी आद्या नाम की लड़की को कि मुझे आएगी, आएगी, बोलेगी, प्यार करेगी। मैंने कई सालों तक इंतजार किया, आई लव यू, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको पहले डेट करना चाहता हूँ। डेट की उम्र गई तुम्हारी? उम्र गई। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जितने हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे अच्छा चीज से मैं खा लूंगा। बहुत तीखा है, और ये मैंने ट्राई किया खाने का, मेरे को बहुत स्पाइसी लगा, बट बहुत तीखा है। अच्छा। जेन्युइन? तो फिर पक्का? हाँ पक्का। तो फिर तुम्हारे खाए हैं अगर इसने खा लिया? ओ है। भाई मिर्ची नहीं लग रही? लग रही है भाई, लेकिन क्या तुम्हारी हाय खाया है अब तो यार, मैं मना कैसे करूँ? ऐसे ठीक है, हाय। तुम्हारी डेट पक्की, लड़के ने लड़की को हाँ बोला, लड़की ने लड़के को हाँ बोला, भाई डेट पक्की, 100% पक्की, डन। तुम कोक पियो।
कोक। तुम्हारी डेट पक्की, डेट नंबर टू, ऑल द बेस्ट। पिछला एक्सपीरियंस देखने के बाद मैं तुमको यही बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम साधना। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, बहुत ज्यादा फेमस हूँ, वर्ल्ड वाइड हूँ। मैं 6,000 करोड़ रुपए की 3 पिक्चरों में काम करने वाला हूँ। तो क्या आप मेरे घर की बहू बनेगी, मतलब मेरी बीवी बनेगी? क्या शादी करने जाएगी? अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको ये अपने पढ़ाना। मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस ये था लाइटी सी बात। सच्ची में आप मुझसे प्यार करोगे ना? बोलो। सेकेंड डेट भी कंफर्म्ड है। आई लव यू एज आई एम अ फैन। तो क्या इस वीडियो के बाद दूसरी डेट होने वाली है या नहीं? मैं मानना चाहूंगी। चलो ठीक है, रिजेक्ट हो गया यार पुनीत। ओके, नेक्स्ट डेट में हमारे पास पुनीत भाई तुम्हारे लिए 2 लड़कियां एक साथ है। ओहो ओहो, कैसे हो? मैं इनसे मिला रहा हूँ। आप मिलाइए प्लीज, चलिए आप मिला लीजिए। मैं आप दोनों से प्यार करना चाहता हूँ। आपको दोनों को अपनी बीवी बना रहा हूँ, क्योंकि जब दोनों बीवियों से प्यार मिलता है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरी बीवी बनो। कोई मेरे पैर दबाए, कोई मेरे लिए खाना बनाए, कोई मेरे लिए परोंठे देख रहे। लेकिन आजकल के नल्ले बेरोजगार जब बड़े बड़े यूट्यूबर जो है दो दो बीवियां लेकर बड़े बड़े कोटि करने वाले लोगों के सामने वायरल हो जाते हैं, तो मैं भी आप लोगों के सामने नल्ले बेरोजगार। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं अगर आप वो केचप की बोतल। लेकिन आप ऐसे मुंह मत बनाइए प्लीज, प्यार से बोलिए मुस्कुरा के। तो आप ये मैं आपके लिए करूंगा, तो इसके बाद आप मुझसे प्यार करोगे? हाँ, सोच सकते हैं। अच्छा, ये बात तो बहुत ही सत्य की बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक लड़की अभी तक हाँ कर चुकी है भाई। अगर इस वीडियो पे 1,000,000 लाइक्स आएंगे तो उस लड़की के साथ 24 आवर्स डेटिंग चैलेंज भी बढ़ाएगा। पुनीत भाई, फर्स्ट इंटरनेशनल डेट जहां आप प्रपोज करने वाले हो इसको? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम टेलिंग यू एंड आई लव यू एंड प्लीज गिव मी माय चांस एंड आई विल माय चांस आई वांट गिव मी वन चांस कैन वांट टू मैरी यू। व्हाट यू विल डू फॉर दिस? आप इसके लिए क्या करें? मैं आप जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार। Maybe some, let's cook something. ये वादा करती है मैं इनके लिए भी वो सब करूंगा जो मैंने इससे पहले मैंने धोखे खाए, जो भी मैंने इससे पहले किया। तो if he does this for you, you'll say yes. पक्का। अच्छा, ये कब डाल दिया भाई? इंटरनेशनल डेट पक्की हो गई तुम्हारी, मैं तुमसे हाथ को मिला हाथ मिलाने में बहुत गंदे हो तुम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक इंडियन डेट और एक इंटरनेशनल डेट आपको मिल गई है इस वीडियो के बाद। डबल डेट पे लेके आऊँ मैं, देसी एंड विदेशी। एंड व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस पुनीत जी? बिल्कुल भाई, मेरा असल में बचपन से सपना था कि मैं एक देसी तो हुई, लेकिन भाई विदेशी की भी एक अलग बात है। तो मैं प्लीज हाथ मिला लो प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं आप दोनों को डेट करना चाहता हूँ। मैं आप इस डेट में आपको एक ही के साथ डेट पे जा सकते हो, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। फिलहाल मैं विदेशी को चुनता हूँ भाई, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है। ही चूजेस यू ओवर हर राइट नाउ। तो अब वो जा रही है यहाँ से। मौत का खेल ये खेलेंगे अब तुम्हारे साथ। अब मैं खेलूंगी मौत। अच्छा, я понимаю все, что ты говоришь. Not understanding anything. No, I don't like guys who already choose someone. So maybe I just wash you. ये मौत का खेल चलता रहेगा, इसको चलने दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पुनीत भाई को मिली है 2 डेट 11 में से, और अगर चाहते हो मैं सच में उनकी डेट दिखाऊं 24 घंटे के लिए, तो 1,000,000 लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। अच्छा जी भाई, तो आप बताएं कि 1,000,000 लाइक हो गए अभी तक या नहीं? मैं देख लेता हूं, मेरे ख्याल से शायद 1,000,000 लाइक हो गए हैं। हाँ, 1,000,000 लाइक हो गए हैं, तो मैं भी शायद 24 घंटे की डेट देखने को मिल जाए मैं पुनीत सुपरस्टार की। और काफ़ी एनर्जेटिक बंदा यार, वाकई उसका नाम सुपरस्टार रखा गया, तो बहुत एनर्जी है उस बंदे ने। समझने के 17-18 मिनट की वीडियो के अंदर अपनी एनर्जी एक टाइम के लिए भी लो नहीं की, तो ये मैं इसको देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाता हूँ पुनीत सुपरस्टार को, क्योंकि वो बंदा अपने आप में एक रियल है, जेन्युइन जिसे कहते हैं ना, वो आदमी है। तो बाकी हमारे फुकड़ा भाई जो कि कमेंटेटर बने हुए थे, तो बल्कि रेफरी कम कमेंटेटर और ट्रांसलेटर हर चीज़ ही थे। तो ये मेरा रिएक्शन था इस वीडियो को पर। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड हुदा हाफिज़।